अच्छा और तनिको सरो लड़ाई वालो रहे तो वही का देखे तब लुकी दे रहे फाट। क्या दहेज का पत्र देखा? बहुत खुश हो गए। खुश हो गए और तनिको सरो लड़ाई का टीका बीरा भी चढ़ा लिया। वह पत्र देखे हमें गिराए गिराए कई लगे। वो पत्र जो जिस पत्र के खातिर तुम्हें मारा है महाराज ने, वो पत्र हमें दिखा सकते हो? पंडित जी अरे यह पंडित जी जिस पत्र के खातिर तुम्हें मारा है महाराज ने, तुम भोसड़ी के महू को मरा दे दी हो, अमर तुम्हें हो गई हो। खाए जाओ हमें बुढ़ा पर मैं लौड़िया खाए जाती और जाने बसुलिया सदा तुम्हें खाए जाओ। आई बसुलाई ने हमें लास्ट अरे वो लाओ हमें बताई तो कहा है मर जवैया। अरे प्यार कहा प्यार, आज वो कल्ला की हमारी नहीं है तो। महारानी देखो ये पत्र है, इसी के कारण महाराज हम लोगों की बहुत पिटाई किया है। नेंगी और जोगी मेरे महाराज इसी पत्र के खातिर तुम्हें मारा है। ठहर जाओ सुनो इस पे क्या लिखा है दोस्तों। Thank you.
दो चार पत्र जो मिल जाए तो 10-20 साल के लिए और मेरी जिंदगी बढ़ जाएगी। अच्छा देती की नौटी तेरे राजा का सुकार है। अच्छा और पंडित जी क्या है? जरा भाई महाराज पंडित जी का भरी है का। भैया बुढ़ा नहीं है का करी भैया कहते अगर इससे इससे पत्र विचार मिल जाए हाँ। तो हमारी 10 साल जिंदगी आपको और बढ़ जाए। ये का बात आई हमें मालूम है या वह बहनी है जो हाँ भैया या बहनी वह है जो चंपल मिलो। लेकिन एक और बात है वह जो महाराज है राजा मान सिंह हाँ। और ये है उनकी रानी हाँ। तो भगवान गलती कर देंगे थोड़ी बहुत जरा इनका बनाया गया है दिल्ली तिनका बनाया दिल्ली में हिलवा और उनका बनाया गया है मेहरवा तिनका बनाया दिल्ली अजमेर फिर भूल गए और कोई बात नहीं है। ए पंडित जी आ, 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 आ। तुम लड़की के कौन लगते हो? हम लौरिया जी लौरिया जी हाँ कह रहा भैया बताई वैसे हाँ लौरिया के हम चाचा जी कहा क्या चाचा लगते हो तो तुम हमारे कौन हुए भाई राजा तो महाजन है पत्थर तो है तुम तो हमारे सर्दी हुए भाई बात कौन सी बात कह रही है ए, का एक बार पूछी का तुम आप लड़की के कौन लगते हो? तुम लड़की के कौन लगते हो? सच बताए कि झूठ बताए? सच बताओ। अगर यह बात पूछती हो हाँ। तब हम पिछले जन्म महिया लौड़िया के लिए नंदोई लगी अरे नहीं इस जन्म बताओ यह जलम नहीं है भाई लगता है भाई लगते हो हाँ ओके क्या तुम लड़कवा के निकलने लगते हाय माय हाँ मैं तो उसकी बहन लगती हूँ हाँ बहन बहने हाँ लेकिन मेरे यहाँ कोई भी इंसान आता है ए भगवान आज जाहिर तेरे सुने हाँ सुनी तुम्हारी सुनी ना बहन ये दोस्त मिसकाल है मारे की धमित रहे मिसकाल ना हलो हलो करो अभी सुनो अच्छा। ए हमारे यहाँ भाई बहुत करारो मामला है का है सुन ले हो तो ले यहाँ की रीत जानते हो का रीत हाँ हाँ सुनो भाई कुछ बाकी है क्या बकाया भाई बहुत कुछ हो अच्छा भाई भाई तो बजो है चार अच्छा अब छह कहाँ बजो सुनो अरे आई कथा की बेला सुनो भैया राम सारे हाथों पीने वाले सारे हाथों पीने
जिस तरीके से तमाशा चला रहे सुबह तक ऐसे चला रहे। भैया को नमस्कार है। एक बार सुन लो, गाय हमें पहले में बोली भी कहे तुम्हारे हिया को नीच और हमारे हिया को शर्मा गंगा बुआई दे खुशी का माहौल चल रहा है। क्या माहौल है? खुशी तो है कि
टीका मीरा आपने लाल को चढ़वाया, तुमने सुना नहीं, और वहां से फोन कहा तो मैं यहाँ गाँव जा रही हूँ, अब खुशी नहीं और क्या है। अरे रानी, हेलो, बोलो, उस तिलक को मैंने वापस कर दिया है। हेलो, नदी पारा सिरोड़ा चला वही मेरे हरिया रे बना सही जा दे बना। मैं पूछ रहा हूँ किस बात की खुशी है और वो बराबर खुशी में नाचते हुए जा रही है। मैं जब कह रहा हूँ मैंने तिलक को चढ़ाया था, मैंने वापस कर दिया है। महाराज तुमने वापस किया, मैंने स्वीकार कर लिया। क्या तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मैंने जिस तिलक को वापस कर दिया और तुमने उसी तिलक को स्वीकार कर लिया, स्वीकार कर लिया। जानती नहीं हो रानी? बताई। हाँ बताओ। नाराज हो जी। क्यों जी? क्यों नाराज हो गए? तुम्हारे तो बढ़िया जी, तुम्हारे महारानी ठीक रहा है। हमसे बना, हमसे तो बढ़िया तुम हो ना। हम तो बढ़िया रानी जो क्या, जिस तिलक को मैंने वापस कर दिया उसी तिलक को तुमने स्वीकार कर लिया। तुमको ये नहीं पता है वो जो दूसरा पत्र है शहर बंगाल का, उसमें नहीं जानती हो क्या है? क्या है? सुनो मैं बताता हूं। उसमें क्या है? उस पत्र में कोई इंसान भी द्वारे आता है, हाँ, उसे ऐसे नहीं मारा जाता है। और रास्ते में गाली देते हो तुम्हें जा रहे थे, मैंने जाती को बुलवा करके उनको दरबार में बुलवाया। मैंने वक्त देखा, मैंने स्वीकार कर लिया। अरे उन्हें सालों को मैंने मारा, कहो ने मार नहीं डाला। मेरे साथ में इतना बड़ा धोखा किया, साले पहले दहेज का पत्र दिखाया और उसके बाद में गेट पर लगा करके वो लड़ाई वाला जो पत्र था वो बाद में साले लगा करके गए। तो वो पत्र तुमने पढ़ा, फिर क्या कहा? मैंने उसी पत्र को पढ़ करके उन्हें हंड्रो से मार लगाया और कहा अपना टीका भी ना उठा लो और यहाँ से सीधे बंगाल चले जाओ। क्यों मार लगाया? क्यों मार लगाया? मार तो मैंने इसीलिए लगाया, इतनी बड़ी बड़ी शर्तें उस पत्र में लिखी थी। अगर तुमने सुना होता उस पत्र को, पढ़ाए या नहीं पढ़ाए? पढ़े हो तो तुम नहीं जानती, अगर पढ़ा होता तो तुम नहीं टीका स्वीकार करती। सुनो उस पत्र में क्या लिखा है। Thank you.
बड़े मर्द हो, बड़े शेर हो। रानी अयोध्या अभी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, अभी तुम पे हाथ तो उठाया नहीं, अभी मैं तुम्हें समझाता हूँ, इस तिलक को वापस कर दो, अन्यथा जानती हो अगर हमारा मूड खराब हो गया तो तुम नीके नहीं तो नागा में वापस करोगी। सुनो का तुम्हारी फाट गई का नहीं जाएंगे, जानते हो किस लिए? बंगाल से हम शादी हरगिज नहीं। प्राण चले जाए बचन मतलब मैं हम नहीं जाएंगे। सुनो हम नहीं जाएंगे तो कहने का मतलब है यहाँ से औरतों की फौज जाएगी, तुम जाओगे। जब तुम नहीं जाओगे तो मेरी बात सुनो। हाँ Thank you.
ना हुई जाए। मेरी बात सुनो, बड़े मोछा वाले हैं हम, मोछा वाले नहीं और क्या है, बड़े मर्द है बस मेहरबान के बारे में पाओ ये अपने बस तो धारण लाओ हम कर ले हमारे भैया। मेरी बात सुनो, हमारा लाल है, हम जहाँ चाहेंगे वहाँ शादी करेंगे, जहाँ नहीं चाहेंगे वहाँ शादी नहीं करेंगे। महाराज बोलो, लाल है हमारा तुम्हारा, जहाँ शादी मैं चाहूंगी वहाँ से शादी करूंगी। कैसे है तुम्हारा लाल? तुम्हारा कैसे है तुम बता, तुम बता, तुम बता पहले कैसे है। हम तो 9 महीना उतम ये तुम्हारा के धोयन तट्टी और पेशाब और उठना बैठना सब कुछ झेले, तुम्हें क्या झेले? सही कहती हो, और दर्द पीड़ा सब झेले, सब झेले मालिक मैं तुम्हारा लाल है। हाँ, और लड़का हमारा ना उनका तुम्हारा। लेकिन भैया तुम लोग बता मिर्जा बुरवाले, जैसे बंजर जमीन भरी है वही में पानी नहीं भरे हो, मेड़ नहीं बने हो, तो वह कुछ पैदा हुई है अच्छे जोर कर हम और लड़का हुई गई इनको। हम कह लड़का तुम्हारो है हमारा है, चलो जैसे ही अब हमारे पर हाथ चलते इतने हुए चलाओ चले। एक बात मेरी और सुन ले लो, क्या मैं बंगाल को हरकत नहीं जाऊंगा, मेरा अकेला लाल है फुल डोल, जहाँ चाहूंगा वहाँ शादी करूंगा। लेकिन अगर तुम इतनी भड़कती हो तो मेरी बात सुनो, किस किस लिए भड़कती हो बोलो। हमारा खसम? हाँ, कौन है खसम? तुम बताओ कौन है तुम्हारा खसम, किसने बोलती? ये इधर सब खसम है हमारी भाई, ये सब तुम्हारे खसम मिल गया बुरा। हाँ, लजवाई जा रहे हो, जब तुम नहीं जी हो तो कहीं ये मोछ वाले नहीं, यही मेहर हुआ हो तो यही भाई थे। जय हो भैया बंगाल, बंगाल में जा तो चलते खरीदे पहले पैदा होते कुतिया बनाए दे दे। तुम्हारी तक ड्राई वाले नहीं है आज, एक तुम घर में आइए मेहरबान पड़ जोर बांधे। हम तो नहीं जाएंगे, हमारा अकेला लाल है, बंगाल से शादी हम कभी नहीं। महाराज बताओ मैं कौन, कसम है तुम्हारा कसम? हाँ सुनो, किस पे भूलती हो? अरे कीमत कपिरना मेरे शर्म नहीं आती है मुख की जिबिया मुख में दादू मुख में दादू
मुसीबत पड़ी थी और इसी दरवाजे को आए थे। अरे पागल लुच्चन, तुमने अपने भाई को नहीं बचाना था। महाराज तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मैं जिस टाइम हमारे भाई हमारे मकान पे आए थे, हाँ। मेरी अकेले कटी मेरी मट्टी बहू, आने वाले नहीं। हमारा भाई हमको बात डालेगा। उस दिन जब आए थे तब तुम्हारे भाई नहीं थे, तब तुम उनकी बहन नहीं थी। तुमको मना करता रहा, फिर भी तुम अपने भाई को पहचानने के लिए तैयार नहीं हुई। मैंने नहीं पहचान कर पाई। अच्छा, मुझसे भूल हो गई महाराज। तो क्या तुमको पहचान लगे? अपने भाई से माफी मांग करके अच्छा तब आप बताऊंगी। अरे अयोध्या, जब उन पे मुसीबत पड़ी थी तब तुमने पहचाना नहीं, आज तुम पे पड़ी है तो महाराज तुम्हें पहचानेंगे। पागल सुनो, दल्लभ भाई ताबल मंगवा बाद में पहले हिया निपट ले। एक बात ये बताओ, जो क्या मैंने मान लिया तुम जाओगे, तुम्हारी बहन भाई की लड़ाई है सुलझ जाएगी, लेकिन ये बताओ बारात लेकर जब जाओगी बंगाल को, तुम्हारा लाल दूल्हा बनेगा? सही बोला, कौन बनेगा? दौलत कौन बनेगा? अच्छा, किस मुंह से कह रही हो? इसी मुंह से कह रही हो। जब डोला कुंवर, जब राजा नलबाग को आए थे तुम्हारी, तुम जानती हो ढोला कुंवर कहाँ थे और तुमने क्या किया था? नहीं पता है? सुनो, we'll be right back.
भाई और भाभी को मैं पहचान लेती हाँ। तो आज ये दशा नहीं होती। तब तुम्हारी भूल हो गई थी, उसके बाद में तो भूल नहीं होती। जब तुमने कहा था मेरा भाई अगर होगा इस खंभे में बना दो, अगर खंभा उखाड़ लिया तो हमारा भाई है। और उस खंभे को जब राजा ने बनवाया था, खंभे को उखाड़ लिया था, उसके बाद में तुमसे कहा था जाओ मेरे साले राजा ना लाए तुम्हारे भैया, नहीं कुछ कर पाई उनके साथ में तो उनको कम से कम पेट भर भोजन तो दे दो। लेकिन तुमने उन्हें जाकर क्या दिया था नहीं याद है? सुनो हम बताए मुझे नहीं याद है, हम बताते हैं। मेरा दिमाग नहीं ठीक था, दिमाग ठीक नहीं था नहीं। जो हम जनते ये बिरना यारे जोड़ती हो हाँ। अगर तुम हाथ जोड़ती हो तो लो मैं हाथ डाल दिया अपना, अब तुम्हें हाथ नहीं लगूंगा। लेकिन मेरे दिल पे हाथ रखकर पूछा जो क्या कि मेरे दिल पे क्या बीतती है जिस दिन वो आए थे। अरे तूने मेरे साथ में मेरे कहने पर तूने नहीं माना, पहाड़ी बढ़ाते हर जब बात पर तेरी आए थे तो तू नहीं समझती। आज मुझे वही बात चलती है जो क्या मेरी बात सुन। अरे अकेले चलना पहचाना नहीं। लेकिन जाती हो तो तुम जाओ ये मानगरी से नरबर को हम कभी नहीं जाएंगे और तुमको मैं रोकूंगा नहीं। लेकिन एक बात मेरी सुन ले अयोध्या, जाने को नहीं रोकूंगा और मेरी बात जाते जाते सुनती जाओ, तुम्हारी पूरी तैयारी कर दूंगा और चली जाओ। लेकिन जाते जाते मेरी बात सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूं। Thank you.
तो हमें मानगढ़ी में अपना मुख मत दिखाना। जाओ, मैं तुम्हारी तैयारी करता हूँ। ए मैकू, आगे आ जाओ, इधर बढ़ो। क्या बात? मैंने सुना है तुम्हारे पास में गल्लफ और भैंसा है। गल्लफ है, भैंसा पुराने वाले रहा है, बेच जाने। बेच डाला, फिर काम कैसे चलता है? काम का भाई, नए नए पड़वा लाए हैं, हरे नहीं है। नहीं, पड़वा लाए हो, हरे नहीं है। आपका काम कैसे चलता है? काम है, ट्रैक्टर ट्राली तेरे किराए तेरे चलाए तो नहीं, कुछ तो थोड़ा बहुत चलते होंगे। नहीं ना, ना भाई, माची नहीं रखे। हमने तो देखा था उसने। यार भाई, हरे नहीं है क्या? नहीं, तुम झूठ क्यों बोलते हो? बात का बात बताओ। बात ये है, हमारी रानी अयोध्या आज अपने मायके के लिए भात मांगने के लिए जा रही है। अच्छा, और तुम्हें क्या करना होगा? अपना डल्लब भैंसा लेकर के मेरी रानी को शहर निर्बर्धन को ले जाओ। जाओ तो भाई, हरे नहीं है तुम्हारे कहते ने, हम चले जाए। फिर हरे नहीं है तो कुत्ते ना अंडो पड़वा है ना। हाँ, दाने कितने होंगे? वो हिम्मा जो बड़कावा पड़वा है। हाँ, वो सारा बहुत हरामी है, वो बहुत नरियानो करते हैं। तो उसको गिराया पकड़ के रखना। तेरे नाथ पिन बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। और डल्लब हमारा ऊंचा कराते हैं भाई, जाग जाए वो, लेकिन उटरा पर बैठे एक दासी चाहिए। तुम्हारे साथ में दासी भेज दे तुम्हारी सहायता करने के लिए, तब जाओगे। चलो मैं को, तुम तैयार हो जाओ, अपना डल्ला भैंसा लाओ। मैं अभी अपनी दासी को बुला रहा हूँ। बेहतर डल्ला भैंसा भैया। हाँ, और साथ में मैं दासी को भी बुला रहा हूँ। बुलाओ दासी। अरे दासी, दासी ऊंची पूरी होता है तेरे ऊंचक जाता है। हाँ, तुम्हारे जोड़ की है दासी। क्या महाराज? देखिए, आज हमारी महारानी अपने मायके जा रही है, और ये मायकू बता रहा है हमारे नए भैंसा है दंदकते। तुम इनके साथ में जाओगी और इनको सहारा करोगी, जाके सहनरबर को अपना डल्ला भैंसा ले जा सके। है पहले तो कहे नहीं बताया रहा। एक बात और मैं क्यों बताई, जाने से पहले हम तो यह व्यवस्था करीबे करीब हरदी चूने की। अच्छा। लेकिन जब हुआ जाए हो तो बाहर सीओ देखा जरूर रहे हो, हमारी रानी के संग मैया रसगुल्ला दिए जाते हैं कि हुआ छेना दिए जाते हैं, वापस बताए हुआ। हाँ जी, हेलो दासी। चलो भाई, पहले बताएगी तो हमारे पड़वा जो है हरे नहीं भाई, हिमाची एक दिन नहीं परी है। अंडू पड़वा है जाने रहे तो भाई, तो हम बैठे हो नहीं करी। फिर हमारी लाग ना देखे का है तेने। हाँ, बताए पहले दे। हम बताई। हाँ, बड़कवा पड़वा एक दिन बिरझाई को रहा, तो सर एक विश्वा के लिए भूई मारी कर उठा रहे। हाँ, तब हम बहुत भूत लगाए, तब जाके संभारी पाए रहे। हाँ, तुम कसी कहीं पकड़े रहे हो? हाँ, अरे अपनी जान में हम कमी ना ही रखे। हाँ, बुलाओ रानी को, बुलाओ, लाओ भैया डल्ला भैया छोड़। अरे अब बुलवाई ले अपनी रनिया, जल्दी से आवो, हम समय के लिए तैयार हो गए, तुम बहु नहीं तैयार हो गए। और जब तुम्हें नहीं गई हो तो हम हुआ क्या करेगी वो? चलो भाई, चलो बहुत हिसाब से ले चलना। हाँ, अरे अरे मेरे मैं कब सही दूर, अरे भात I'm going to go.
केहन धीरे धीरे ले चला मार। हाय दादा, हाय दादा, हाय मेरी गली बेमौत, चोट उतराई लगी कोई? और चोट तो लगी नहीं गई, दांत से चुटाई गई। कहाँ लग गई चोट? पहले ही बताया कि भाई हरे नाई है। बहुत धीरे धीरे ले चलो। चलो भाई बहुत दूध बहुत लगाए। अरे छोटी दिया चली हऊ की बड़ी दिया चली हऊ। जी, अब हमारे बस तू है ना, अब यहाँ तेरे आगो हम नहीं चल पाए बनाए। या बगिया जो है या तुम्हारे भैया के नहीं है बगिया? ये बात हमारे भाई की है। हाँ, यह राजा नल की बात है। क्या हमारे भैया की है बात? कहे तेरे पड़ावा हमारे भुखाई के है। तो इस बात में कोई रहता है या नहीं? हाँ हाँ, माली रहते। माली? क्या माली रहता है? हाँ, पहले हम यह बगिया में है खाने पर पड़वा चढ़ा लीजिए। ठीक है, और तुम जाओ माली तेरे मुलाकात करा, माली तुम्हें पहुँचा दे। ठीक है भैया। हाँ दस मिनट। चलो हम तुम पड़वा चढ़ाए चले। क्या दासी नहीं जाएगी तुम्हारे साथ? मतलब तुम अंधे खाने पर बैठे और हम अंधे बैठे हुए कि नहीं बैठे मेरे साथ? दोस्तों, हमारे भाई की बाग है। आज मैं सोच रही हूँ मेरे महाराज चलते वक्त कसम दिए थे कि तुम्हें माता और पिता की कसम है दोबारा खाली लौट करके माता ना अपने भाई को साथ में बुला करके लाना। ओ महारानी, बोलो। देखो तले हम यहाँ बैठे हैं, अब तो देख लिया कोई माली उली मिले तो इतने बातचीत कर ली हो, अब तुम चली जाए और बाद में जब आई जी हो तो फिर संदेह ये नहीं करें हम लोग चलते हो। ठीक है दासी। कहिए भी छोड़ दिए ये भैंसा, कहाँ छोड़ दिए? एक बात बताए मुहित्ते बोलो। एक बात ये बताओ, ये भैंसा घोसड़ी कहाँ छोड़ दी हो? कहाँ छोड़ दी हो? बगिया में छोड़े। ये कब चले गई हम कहाँ जाए चाहे? ये बताओ, कचरा बप्पी बगिया है या छोड़ दी हो? हमारे बप्पा की नहीं है यह बगिया, हमारे सारे की है। नहीं माँ दरिद्र लोग हो जा रही हो। हमारे बगिया धान तो हो है। या राजा नल की बगिया है? हमारे सारे बगिया। आपको हम समझा दो, आपके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहता हूँ। आपको होना चाहिए जो राजा मान सिंह है मानगढ़ी के। हाँ हाँ, उनके मैं नौकर मान सिंह। हाँ, यानी रिश्ते में भाई लगता हूँ। और राजा मान सिंह के जो राजा नल है वो साले हैं। तो राजा मान सिंह के राजा नल साले हैं, हमारे नहीं साले। नहीं साले बखेरे है, लेकिन तुम आयो पास साले उनके को बहनी नहीं और यही बचाई है चौदह साले बचाओ। आपको मालूम होना चाहिए चले जाओ, जिसका नाम रानी अयोध्या। आई रानी अयोध्या, आप जानते हो वो आई है क्यों? अपने भाई को मिलने के। यानी यह बताओ, राजा नल के तुम कौन हो? हम उनके नौकर हैं। नौकर
रिश्ते में कौन लगा? रिश्ते में क्या भाई लगे थे? भाई लगा? हाँ तो तुम हो हमारे सारे भाई। ये गलत कही मल्या रिश्ते में ये भाई लगे तो हो तो वही सारे हैं तो सारे तुम हो सर ये इतने भैया कितना ना कहा है हम तुम्हारे बाहर हुई है भैया राजा ललके कोई बहन नहीं रही यो सर बहनोई बनी के कहा आई गो मुझे जान पाए हो हाँ भाई जाने तुम कहा से आई हो भैया हाँ माली सुनो तो बहिना हो का Yeah.
भैया राजा नल जो है जी, हमारे भाई हैं। मैं रहने वाली तो मानगढ़ी की हूँ, अयोध्या नाम मेरा है। क्या अयोध्या? अयोध्या मैं समझ गया, क्या हमारे दादा के भाई बेना वैश्य जिनकी बहन दान वही में भैया मालिक। क्या तुम वही बहन हो? हाँ वही हूँ। बहन का मेरा सदा सुखी हो भैया। भैया कहाँ मेरी बहन? कहना चाहती हूँ आपसे थोड़ी गुजारिश है। क्या गुजारिश है बहन? फिर भाई से एक तो दुखिया मैं दुख तेरी को बैठे समय के बाद भाई को मेरे ना मेरे महाराज को पहचान सकी। तूने खंभा में बजा करके हरे हरे भाषा से मेरे महाराज को मार किया। आज वो दिन भूल गई जिसे तो भाई कहते उसे नच खंजर बना करके भगा दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं चाहता हूं महाराज से अवश्य बताएंगे। आज बल बल सोच है लाली कई से फिर कभी चपरे भी कर।
किसी दूसरे देश में टीका को चढ़ाया है। अगर फोल्डर के साथ में टीका चढ़ाया होता वो हराम जातीय योद्धा अभी तक मेरे पास शादी का निमंत्रण लेकर के आई हो। थोड़ी देर रास्ता देखता हूँ, उसके बाद पता लगाएंगे किस देश में जाकर के मैं और पंडित टीका को चढ़ाया है। खाने की गारी तुम्हारे साथ में रहेगा। महाराज माली के बच्चे, महाराज एक बात का जवाब दो, तुम्हें दरबार की ड्यूटी का पैसा देता हूँ या बाग की? बाग की महाराज। फिर बाग को छोड़ करके दरबार में किस काम से आए? आएगा नारायण बताओ महाराज। बोलो समझो की बात क्या? एक बाग के अंदर दल्लभ भैसा आ गया। किसका? वो अपने को अयोध्या कहती है, वो मार नहीं की नहीं आ रही।